तो भैया मध्य प्रदेश में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी और ये नाम, ये मुहर लगी है मोहन यादव के नाम पर। अब आप कहेंगे गुरु इसका उत्तर प्रदेश से क्या लेना देना? लेना देना है, लेना देना ये है कि उत्तर प्रदेश की सियासत पर इसका क्या असर होगा ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा असर समाजवादी पार्टी की सियासत पर हो सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने लंबे समय से यादव पॉलिटिक्स करती आई है और भारतीय जनता पार्टी के सामने हमेशा ये चुनौती रही है कि वो कोई ऐसा यादव चेहरा खड़ा करे जो समाजवादी पार्टी के यादव वोटों को डेंट कर सके। और ऐसा क्या अब हो पाएगा, यही बड़ा सवाल है। जी हाँ, मोहन यादव हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं लेकिन जिस तरीके की पॉलिटिक्स बीजेपी उत्तर प्रदेश में करती है उसमें ओबीसी में वो गैर यादव ओबीसी वोट पर फोकस करती है और खासकर यादव वोट जो है वो समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव के साथ रहता है। लेकिन क्या अब बीजेपी का फोकस यादव वोटों को लेकर हो चुका है? अगर आप देखेंगे तो लगातार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो पिछड़े में यादव का जिक्र नहीं करते, वो पूरे पिछड़े समाज की बात करते हैं जिसमें गैर यादव ओबीसी भी आते हैं। लेकिन अगर आप डेटा देखेंगे, आप वोट देखेंगे तो वोटों में गैर यादव ओबीसी वोट खासकर मौर्या, कुर्मी और सैनिसा के लोधी पहले से भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे, ये वोटर बीजेपी की वोटर रहे हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यादव वोटों की रही है। जहां भी यादव बाहुल्य सीटें रही हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर बीजेपी हमेशा कमजोर साबित हुई है। वहीं अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से लगातार अपने पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं यानी कि अपनी पार्टी के विस्तार की कोशिश कर रहे हैं और उसमें उनका सबसे पहला जो निशाना था वो मध्य प्रदेश था क्योंकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ठीक ठाक करती रही है यानी कि लगभग 3 विधायक तक उन्होंने जिताए हैं, 3% वोट भी हासिल करते रहे। इस बार उनका प्रदर्शन उस तरीके से नहीं रहा है। माना जाता है कि मध्य प्रदेश में यादव वोटर बीजेपी के साथ रहा है लेकिन अखिलेश यादव के यानी कि यूपी के सटे हुए इलाके में थोड़ा प्रभाव पहले रहा जब मुलायम सिंह यादव रहे और अखिलेश यादव उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बिहार में वैसे भी यादव पॉलिटिक्स होती रही यानी कि लालू प्रसाद यादव का परिवार वहां पर यादव पॉलिटिक्स करता रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कुछ राज्यों में समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी ताकि यादव वोटों पर उसकी पकड़ बन सके और वो थोड़ी राष्ट्रीय पॉलिटिक्स कर सके यानी कि जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो भी हासिल कर सके। ऐसे में मोहन यादव को बनवाकर बीजेपी ने दो तरीके से निशानेबाजी की है। एक तो बीजेपी ने अपनी पॉलिटिक्स तो की है उत्तर प्रदेश में या आप कह सकते हैं कि और अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी की इतर यादव पॉलिटिक्स होती रही है उनको झटका लग सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास पहले भी भूपेंद्र यादव जैसे नेता रहे हैं लेकिन उसका खासा असर देखने को नहीं मिला है। अब क्या मोहन यादव के आने के बाद जिनको सीधा मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्या यादवों का रुख उत्तर भारत में यानी कि उत्तर भारत की पॉलिटिक्स में बदलता है और क्या उत्तर प्रदेश में वो प्रचार करते हैं, उसका क्या लोकसभा पर असर पड़ता है ये भी देखना होगा क्योंकि कुछ सीटें जिन पर यादव बाहुल्यता है और जहां पर अभी भी समाजवादी पार्टी जीतती रही है। हालांकि आजमगढ़ वह उपचुनाव में हार गई लेकिन आजमगढ़, मैनपुरी, कन्नौज जैसी सीटें हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए मुफीद रही हैं और लहर में भी समाजवादी पार्टी ये सीटें जीतती रही है। फिरोजाबाद भी उनमें से एक सीट आती है जहां पर MY समीकरण बनता है। ऐसे में बीजेपी का MY से सीधा Y पर फोकस करना, ये जो चुनौती अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सामने आ रही है वो इससे कैसे निपटेंगे ये देखना होगा। और बहुत दिलचस्प ये भी देखना होगा कि जब 2024 के चुनाव होंगे तो क्या गढ़ में अखिलेश यादव अपनी सीटें बचा पाएंगे। आपका क्या कहना है कि यादव पॉलिटिक्स में अभी क्या रुख बदलता हुआ नजर आएगा, क्या अखिलेश यादव सर्वमान्य नेता बने रहेंगे या उसमें कोई बदलाव होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए अभी तक, नमस्कार।